इधर रे भैया, इधर बीच में पीछे। अरे आ सा रहा यार, इसको बीच में ले आओ भैया। बीच ऐसे मई को थाना कबीरनगर में भैला फुसलाकर धर्मांतरण करने का एक अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसमें कि दो लोग नामजद थे। इसमें बद्दो नाम के एक व्यक्ति की डिजिटल आइडेंटिटी के बारे में हमको पता लगा था, जिसका कि हमारे साइबर ब्रांच ने जिस पे काम करा है, जिससे हमको उनका असली नाम पता लगा, जिनका नाम शाहनवाज मकसूद खान है, जो कि साजिया अपार्टमेंट थाना भूमरा जनपद थाने महाराष्ट्र के हैं। इनकी गिरफ्तारी हेतु हमने टीम बनाकर रवाना कर दी है। साथ ही साथ इसमें एक मौलवी का नाम आया था, जो कि सेक्टर 23 संजय नगर जामा मस्जिद में 2 साल से अपनी सेवाएं दे रहे थे। पूछताछ में हमको पता लगा है कि इनका नाम नन्नी उर्फ अब्दुल रहमान है, जो कि मूलतः बलिया के रहने वाले हैं, पर इनकी काफ़ी साल से यहां पर गाज़ियाबाद में रह रहे हैं। इन्होंने बहला फुसलाकर इसमें धर्मांतरण कराने में इनका एक जैन नाबालिग लड़का एवं 2 हिंदू लड़कों में इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा है। इसके हमको इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और बाकी एफिडेविट और डॉक्यूमेंट्स भी हमको हाथ लगे हैं। इसमें जो बेसिक मॉडस ऑपरेंडा जो समझ में आया है, वो एक जो जितने भी टीन एजर्स और नई उम्र के लड़के होते हैं, ये गेम के माध्यम से इनको आकर्षित करा जाता था। तो एक फोर्टनाइट नाम का एक मोबाइल एप्लीकेशन है, गेमिंग एप्लीकेशन है, जिसके माध्यम से इनको एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाता था। उसमें मुस्लिम लड़के कुछ हिंदू लड़कों की आईडी बनाकर उनसे बात करा करते थे, और उनको आयतें पढ़ने के लिए, अगर गेम जीतना है तो आयतें पढ़ने के लिए उनको प्रेरित करा करते थे। जब वो गेम जीत जाते थे तो उनका विश्वास उनमें बिल्ड हो जाता था। उसके बाद डिस्कॉर्ड नाम का एक चैट एप्लीकेशन है, उस पर बोला जाता था कि उस पर आके वो चैट करें। जब वो डिस्कॉर्ड पे आ जाया करते थे, उसके बाद उनको डॉक्टर जाकिर नायक, जिनको 2015 में प्रतिबंधित कर दिया था भारत ने, उनकी वीडियोस दिखा के उनको धर्मांतरण के लिए प्रेरित करा जाता है। और जब एक बार वो इस्लाम कबूल कर लेते हैं, उसके बाद डॉक्टर तारिक जमील की वीडियोस भी शेयर करी जाती थी, जिसमें कि उनको और कट्टर इस्लाम अपनाने के लिए प्रेरित करा जाता था। जितनी हमको पूछताछ करी है, इसमें एक जैन लड़का और एक हिंदू लड़का, नाबालिग लड़का वो गाजियाबाद के ही है, एक हिंदू लड़का फरीदाबाद का है, और साथ ही साथ जो एक और हिंदू लड़का है वो चंडीगढ़ के रहने वाले हैं, जिनके कन्वर्जन की बात आई है। साथ ही साथ पूरे नेक्सस पे हम लोग काम कर रहे हैं। इसमें और जिसका भी रोल होगा, जल्दी उसको बस्ट करा जाएगा। हमारी टीम्स बद्दों की गिरफ्तारी करने के लिए थाने पहुंच चुकी है, जल्दी उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करी जाएगी।